एमई सर्कल ऑफिस 15 और ये है विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ी, ब्लैक कांच है, पूरा ब्लैक कांच। और ये अंदर बैठे है कोई पुलिस ऑफिसर, ना ही नंबर प्लेट है। रुक जाओ, गाड़ी में से बाहर निकलो, आप भी निकले। ये क्यों ब्लैक कांच रखा है और नंबर प्लेट क्यों नहीं है? वो एडवोकेट मेहुल बोगरा, फोन को मत लेना। ब्लैक कांच क्यों रखा है गाड़ी में? आपको कान नहीं लगता? आपको ये ब्लैक कांच क्यों रखा है? हाँ तो नंबर प्लेट क्यों नहीं है गाड़ी में? नंबर प्लेट क्यों नहीं है आपकी? ये नंबर प्लेट क्यों नहीं है इस गाड़ी की? कैमरा नहीं लेता? कैमरा नहीं हट दो, फोन स्नैचिंग का केस डालूंगा आपके ऊपर। फोन क्यों लिया मेरा? हाँ, नंबर प्लेट क्यों नहीं है गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है? ये गलत काम नहीं है। देखो नंबर प्लेट नहीं है और ये कितनी होशियारी मार रही है। आप कह रहे हो होशियारी, नंबर प्लेट है इस गाड़ी में, नंबर प्लेट नहीं है ना गाड़ी में। पकड़ो। ये देखो ये कैसे होशियारी कर रहे हैं। गाड़ी में नंबर प्लेट, अभी कंट्रोल रूम में फोन करते हैं। हमने 100 नंबर पे फोन किया है, कंट्रोल रूम में फोन किया है। रुके, आप गलत कर रहे हो। नंबर प्लेट नहीं है ना आपकी गाड़ी? नंबर प्लेट नहीं है ना आपकी गाड़ी में? ये क्या है? क्या है स्विफ्ट गाड़ी में है नंबर प्लेट? नंबर प्लेट है? मैंने आपको बुलाया। रुके ना, मैं पुलिस कंप्लेंट डाल रहा हूँ। रुके, हाँ तो आप पुलिस को जो, मुझे क्यों जवाब दे रहे हो? पुलिस को जवाब देना? हाँ, मैंने क्या पूछा आपको कुछ? मैंने क्या पूछा आपको कुछ? हाँ, मैं दिखा दूंगा आपको। मैंने कंट्रोल रूम में फोन किया है, रुक जाओ। हाँ, तो मैं लीगल, मुझे, हाँ, ये गलत काम नहीं है। काले कांच वाली गाड़ी। आप फोन स्नेच मत करना। हाँ चलो, बस। हाँ मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा। चलो, पहले तो मुझे पकड़ो। मेरा क्या क्राइम है वो बताए? क्या क्राइम है? हाँ, ये काला शीशा वाला गाड़ी नहीं है। इनके कहने का मतलब ये गलत काम नहीं है। पुलिस का टैग रखना, होम मिनिस्ट्री से डायरेक्शन है कि काले शीशे वाली। देखो ये लोगों को कैसे भगा रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अभी फोन कर रहे हैं, आपके डीसीपी को फोन कर रहे हैं। रुकिए, हाँ डीसीपी साहब को ही फोन कर रहा हूँ, अमिता वनानी जी को। डीसीपी से अमिता वनानी को फोन किया अभी। फोन नंबर। हेलो कंट्रोल रूम, एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ। हाँ एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ। हेलो, ये नंबर प्लेट, हेलो, ए नंबर प्लेट वगैरह की गाड़ी और ये काले शीशे और ये गलत काम नहीं है। गलत काम नहीं है। आप मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? मैंने आपको बुलाया। मैंने एक काले शीशे वाली गाड़ी को लिया। मुझे धक्का क्यों दिया? ये देखिए, चोरी के ऊपर सीना चोरी कैसे होती है? देखिए इतने सारे लोग हैं यहाँ पे हमारे समर्थन में और ए भाई, देखो ए भाई इनको पकड़ रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अभी हम फोन लगा रहे हैं, ट्रैफिक हेल्पलाइन में। इतने लोग हैं हमारे समर्थन में, इतने लोग और ये सबको धमका रहे, सभी को। हेलो ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर, अभी हम सेमी सर्कल 15 ऑफिस पे है। यहाँ पे BRTS कॉरिडोर के अंदर एक काले शीशे वाली और नंबर प्लेट विदाउट की एक गाड़ी है। हेलो, हाँ एक काला कांच वाली,
नंबर प्लेट वगर नी गाड़ी छे, गाड़ी छे, ए बाबते फरियाद छे, आप कोई ने भी ऑथोरिटी ने मोकलो नहीं यहाँ। हाँ सेमी सर्कल 15, हाँ सेमी सर्कल 15 ऑफिस। हाँ मारू नाम एडवोकेट मेहुल बोगरा। देखिए ये सभी को धमका रहे, सभी को, जितने भी लोग है ना सभी को धमका रहे, सभी को। ए भाई और सुनिए सुनिए, एएसआई जी, ये काले शीशे वाली गाड़ी है, इसमें नंबर प्लेट नहीं है, आपने इनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की? ये गाड़ी जो यहाँ पे, हाँ तो इनका इनका फाइन बनना चाहिए ना। हाँ तो इसका फाइन क्यों नहीं किया अभी तक आपने? ये आपकी चौकी के बाजू में खड़ी है ये गाड़ी, तो इसका फाइन होना चाहिए ना, तो इसका फाइन क्यों नहीं किया आपने? तू तेरा बाजी पका लेके मैं मैं बाजी नहीं, बाजी आपको काले शीशे में क्या पकानी है? काले शीशे में आपको क्या बाजी पकानी? ये देखो सबको, सबको मारो, मारो इसको भी मारो, मारो मारो, सबको धमका रहे हो, सबका धमके रहे हो, सबको मारो ना, सबको मारो ना। हाँ वो तो आपके आपका आपका एटीट्यूड दिखे, तुम तुम्हारी रोटी, तुम तुम्हारी रोटी पका रहे हो। फोन को मत छूना, फोन को मत छूना, फोन को मत छूना, फोन को मत छूना साले। कितने लोग हैं? क्या क्या है? सभी यहाँ पे ही रहेंगे, रुको, सभी यहाँ पे ही रहेगा, सभी यहाँ पे ही रहेंगे। बोलो क्या करना है, क्या करना है? देखो सुनो सुनो सुनिए सुनिए, इसका फाइन बनाइए, मैंने डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट डाली है, इसका फाइन डालिए आप, फाइन बनाइए, फाइन बनाइए। होशियारी, इतने लोग हैं मेरे साथ, जो एक गाड़ी है, हाँ पर होशियारी मार रही है सालों को, काले शीशे वाली गाड़ी है, पूरी पूरी गाड़ी काले शीशे वाली है, पर हमको धमकाना है इन लोगों को, इतने लोग, इतने लोग विटनेस में, इतने लोग, इतने लोग, और साले चोरी करके सीना चोरी करते हैं, चोरी करना है और सीना चोरी करना है। हमारे क्या पैसा तेरे कापी ले, हमारी गाड़ी जमा ले, हमारी गाड़ी जमा कर ले। क्यों भाग गया, कहाँ गया वो मुच्छड़? हाँ यहाँ पे देखो, ये चोरी करके सीना चोरी करते हैं, चोरी करके हमको सिखाते हैं कि रोटी कैसे पकती है, काले शीशे में आपकी रोटी कैसे पकती है। आप तो होम मिनिस्ट्री को भी नहीं सुनते, आपके ऊपर अधिकारी को भी नहीं सुनते। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि ब्लैक शीशे वाली गाड़ी नहीं रखनी है, होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि काले शीशे वाली गाड़ी। अरे तू आवाज नीचे रख, तू आवाज नीचे रख, तू आवाज नीचे रख, तू आवाज नीचे रख। तू तू किसको बोल रहा है? हाँ तूने कहा, तूने पहले बोला, तूने बोला, तूने बोला नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे यहाँ पे। अरे हाँ बस यही आता है इन लोगों को, और जो काले शीशे में रात को जब काले शीशे वाली गाड़ियों में दारू पिया जाता है, वो तो किसी को मालूम ही नहीं है, हैं ये गाड़ी में काले शीशे क्यों रखे जाते हैं? इसलिए कि काले धंधे हो। ट्रैफिक कंट्रोल में फोन किया था, अभी तक एक भी व्यक्ति इसका चालान काटने नहीं आया, हम फिर से फोन कर रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल, इसका नंबर प्लेट भी नहीं है, इसमें काले शीशे है, और फिर से हमने ट्रैफिक हेल्पलाइन में फोन किया, गाड़ी चालू है। हेलो एडवोकेट मेहुल बोगरा, अभी तक यहाँ पे कोई चालान काटने नहीं है इस गाड़ी का, तो कोई आवियो नहीं हजू एटले फोन करियो।
ओके चलो देखिए एक चीज देखिए कि होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है कि पुलिस को काले शीशे और नंबर प्लेट विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है। तो इसमें पुलिस का टैग भी रखना है, काले शीशे भी रखना है और नंबर प्लेट भी नहीं रखना है, ठीक है। चलो अब बेटा बेटा करके सबको भगा रहे, पहले चिल्ला लिया आप उसका मेरा मेरे बात सुनिए, काले काले शीशे की जरूरत क्यों पड़ती है, काले शीशे के अंदर ज्यादा कमानी है, काले शीशे में। तो आप आपके सीनियर को मानते हो, डीजीपी ने ऑर्डर दिया है कि काले शीशे नहीं रखने, तो आप तो उनको नहीं सुनते तो मुझे क्या सुनोगे। आप डीजीपी सी को नहीं सुनते, होम मिनिस्टर सी को, हर संघवी जी को नहीं सुनते तो मुझे कैसे सुनोगे। ये गलत नहीं है, काले शीशे रखना। अब भाजी तो आप एक मिनिट हो, हेलो अत्यारे हूँ पूना पुलिस स्टेशन नी अंदर, अने पूना पुलिस स्टेशन नी अंदर मने सीधी धमकीओ आपवामां आवे छे, बंद करो हवे। ओके ओके, मने बंद करवानी वात थाय छे अने पुलिस स्टेशन मां मे बंद थई रह्या छे, मारो गुनो शुं छे जणावो मने। મને બંધ કરવાનું તમે કીધું લોકઅપમાં, પોલીસ સ્ટેશન લોકઅપમાં નથી કીધું, મેં લોકઅપમાં નથી કીધું, તો શું અત્યારે એ લોકો અહીંયા આવી અને મને ધમકી આપે છે કે તારી હજી સર્વિસ કરવાની છે,
तो क्या पुलिस ने नजर सामे मनावी धमकी आपी तो क्या मैं वो कया गुनो करियो छे साहेब के मने धमकी आपवामां आवे आ लेवल सुधी अने पुलिस नी हाजरी मां मैं क्या बैठा था हां पीएसआई नी सामे मैं मारी फरियाद आपी छे आखी मारी फरियाद कोई अत्यार सुधी साहेब दऊं तो होबाळो जे એટલો થાય છે તો પણ ઉબળે આવા છે આ લોકો ને મારી બહાર કાઢે મારી ફરિયાદ તો નોંધો ને હોબાળો થાતો હોય છે પણ એ લોકો આવા કેટલા શાંતિ રાખો ને ભાઈ શાંતિ રાખો કે અમે કઈક લખીએ ને અમે એ જ કહીએ છીએ તમે લખો ને તો કઈ જો ત્રણ જણા આને રાખ્યા અમે ચાર જણા રહ્યા अंगत काम अर्थे वीआरमोल जय रो वीआरमोल जय रो तरह पर्वत काटिया पर्वत पाटी सेमी सर्कल पंदर ऑफिस बाजू में बीआरटीएस कोरिडोर एक ब्लेक काच वाली नंबर प्लेट वगर गाड़ी उठी तो ए समय जो डीजीपी श्री नो एक परिपत्र छे के कोई पण व्यक्ति काळा काचमां पुलिस कर्मचारी नंबर प्लेट वगरनी गाड़ी राखी नहीं एम छतां डीजीपी ना परिपत्रों ने कोई गाटता नहीं काळा काच वाली गाड़ियों नंबर प्लेट वगरनी गाड़ियो राखे छे तो ए बाबते मने थोड़ी शंका थी कि आ गाड़ी में कई पण होई शके तो आपणे एक गाड़ी में उतरिया अने ए गाड़ी नी सामे जई अने मैं मारी पोतानी सलामती माटे फेसबुक लाइव विडियो चालू कारण कि कोईपण घटना आनी पहेला मारी उपर हुमलो थई चुक्यो छे એટલે મારી સાવચેતીના ભાગરૂપે મેં ફેસબુક લાઈવ ચાલુ કર્યો અને કેમેરા લઈ અને ગાડીની સામે ગયો તો સૌપ્રથમ તો જે ગાડી ચલાવનાર વ્યક્તિ છે એને ગાડી ચડાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો મારા ઉપર ત્યારબાદ એ ગાડીમાંથી ઉતર્યો અને મારી ઉપર ઉગ્રતાથી ઉદ્ધતાઈ ભર્યું વર્તન કરવામાં આવ્યું પોતાની ભૂલ સ્વીકારી અને કાળા કાચ અને નંબર પ્લેટ વગરનો દંડ ભરવાને બદલે એ વ્યક્તિ મારી ઉપર મન ફાવે એમ બોલવા માંડ્યો આ સમયગાળા દરમિયાન મને મારું જાનનું જોખમ લાગ્યું એટલે મેં 100 નંબર કંટ્રોલ રૂમમાં પણ ફોન કર્યો कंट्रोल रूम में कोई फोन ना उपाड़ियो पछी ट्राफिक डीसीपी श्री अनिताबेन वानाणी छे एमने पण फोन कर्यो एमने पण फोन रिसीव ना कर्यो पछी पाछो 100 नंबर ना कंट्रोल रूम में फोन कर्यो तेम छता कोई फोन रिसीव थया नहीं छेवटे आखरे कोई ऑप्शन ना बन्यो एटले मैं ट्राफिक हेल्पलाइन नंबर में फोन कर्यो एमां जाण करी के आनो दंड लेवामां आवे काळा काच नंबर प्लेट वगरनो तो त्यां पण थी कोई ऑफिसर घटना स्थल पर आव्यो नहीं स्थल पर एक एएसआई हाजर हता एमने पण रजूआत करी सिस्टम नी नफटाई जोजो तमे रजूआत करी तो एम छता एक एक घटना में इन्वोल्व ना थिया अने दूर दूर भागता रहिया आ जे व्यक्ति छे जे गाड़ी माथी उतर्यो हतो एने फोन कर्यो बीजा त्रण ईसमो ने बोलाव्या ए त्रण ईसमो आव्या अने पत्थर लई अने अमारी उपर तूटी पड्या मारी साथे जे लोको हता एमनी पर हुमला थया जे लोको मने बचावा आव्या एमने पण मार मारवामां आव्यो तमाम जाहिर जनता ने पण मार मारवामां आव्यो एटली आ सिस्टम नी नफटाई छे त्यारबाद हुं मारा जानने बहुत जोखम लाग्यो जो लाइव विडियो हतो ए विडियो मारा फोन माथी खेची फोन लई अने फोन फेंकी अने पुरावानो नाश करवानी कोशिश करवामां आवी पछी हुं त्यांथी मारो जीव बचावीने पूना पोलीस स्टेशन पहोंच्यो अने हजु तमे जो के आ लोकोनी क्रूरतानो कोई अंत ज नथी हुं पूना पोलीस स्टेशन पीएसओ मां गयो पीएसओ मांथी पछी मने इन्वेस्टिगेशन रूम मां मोकलवामां आव्यो इन्वेस्टिगेशन रूम नी अंदर आ जे हुमलो करनार छे ई अने एना सागरी तो घुसी जाय छे इन्वेस्टिगेशन रूम मां मने मारवा माटे दोड़े छे पुलिस एमने अटकावे छे अने मने इन्वेस्टिगेशन रूम मां पुलिस नी हाजरी मां एवी धमकी आपे छे के तारी हजी सर्विस करवानी बाकी छे त्यारबाद हुं बहार निकळ्यो तो पीए आवे छे अने ए पण जोजो हुं फरियादी छुं मारी फरियाद लेवाने बदले पीए मारो हाथ पकड़ीने एवुं कहे छे के आने बंद करी दो एटले सिस्टम क्या सुधी आ जे लोको माटे अवाज उठावे छे एमने हेरान करे छे ए जोवुं रह्यो डीजीपी श्री नो परिपत्र हतो एनो अमलीकरण करवा एक जागृत नागरिक तरीके मारी फरज लागी तो हुं मारी फरज अदा करतो हतो तो होम मिनिस्ट्री ने पण आ जोवुं पड़े के हुं मारी वाणी अभिव्यक्ति नी आजादी उपयोग करू छुं 19 के मुजब साचुं होय अने साचुं खोटुं होय अने खोटुं कहू छुं तो ए आजादी ने तरफ मारवा वाळा आ लोको कोण बनी बेसेला सेवक आ बनी बेसेला सेवको छे आ कोई सेवा करवानो धंधो नथी करता काळा काच नी अंदर गाड़ियों में बेसी अने काळा काच मां काळा काम करी रह्या छे अने एक काम बंद थई छे एटले अमने तकलीफ पड़े छे अने तकलीफ ना कारणे सिस्टम अमने आ हद सुधी हेरान करे छे आ बीजो हुमलो मारी उपर छे अने पहेला पण एक हुमलो थयो छे पुलिस कमिश्नर श्री ने आपणे मारी जानने जोखम छे हथियारना परवाना माटे आ पहेला अरजी करेली छे એમ છતાં પણ આજ દિન સુધી મને હથિયારનો પરવાનો નથી આપવામાં આવ્યો ટૂંકમાં મનસા એવી લાગે છે કે જાહેર જનતાના કામ કરતા કરવાવાળા લોકો સમાજ સેવકો ભલે ખપી જાય કુરબાન છે પણ એમને ના તો કોઈ સલામતી આપવી છે અને ભલે અવારનવાર હુમલા થતા રહે હોમ મિનિસ્ટ્રીને આપણે મીડિયાના માધ્યમથી મારું એક નિવેદન છે કે આ ઘટનાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે ઉપરી અધિકારીઓ પાસે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવે બાકી અહીંથી તો કંઈ થવાનું નથી એક થાળીના છટ્ટાપટ્ટા છે
ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવે, સખત ઇન્વેસ્ટિગેશન થાય, એમાં સખત કાર્યવાહી થાય, તો આ લોકોની જે એટલી હિંમત વધી ગઈ છે કે પોતે એક તો ખોટું કરો અને ખોટું કર્યા પછી હુમલો પણ કરો અને ઉપર અંકુશ આવે, બાકી આ લોકો અનકન્ટ્રોલેબલ છે અત્યારે. હમણાં તમારા પર હમલા કરવા વાળા વિરુદ્ધ કઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી? હાલ આપણે પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા છીએ અને 2-2.5 કલાકના સમય બાદ આપણી ફરિયાદો નોંધવામાં આવી છે. હુમલા બદલ, જે ફોન સ્નેચ કરવામાં આવ્યો એ બદલ, જે ધમકી આપવામાં આવી એ બદલ, 4-5-6-7 લોકો ટોટલ હતા, ગ્રુપિઝમ કરીને મને ધમકાવ્યો, માર માર્યો, એનો રોંગફુલ એસેમ્બલી ક્રિમિનલ કોન્સ્પિરસી જે તે ધારાઓ અંતર્ગત આપણે વિધિવત ફરિયાદ કરાવી છે. ઓકે જી, ધન્યવાદ. થેન્ક યુ.